गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल लर्न अबाउट द हेल्दी क्रॉप्स। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, आज हम लोग हेल्दी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्रॉप्स नीड प्रॉपर केयर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड एंड मोर न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर हम लोग क्रॉप्स की प्रॉपर केयर करेंगे तो हमें जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। हेयर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं ताकि आपकी जो क्रॉप हो वो बहुत अच्छी हो। फर्स्ट नंबर, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, राइस ग्रोज वेल इन वेट क्लेई सॉइल, बट ग्राउंड नट नीड्स पोरस सैंडी सॉइल। जैसे कि राइस के लिए हमें कैसी ज़रूरत होती है, क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी गीली मिट्टी की ज़रूरत होती है। बट जो ग्राउंड नट होता है उसमें थोड़ी सी पोरस मिट्टी की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ी सैंडी सॉइल होनी चाहिए। देयर फोर फार्मर डिसाइड द टाइप ऑफ द क्रॉप टू बी ग्रोन आफ्टर इवोल्यूटिंग द सॉइल इन देयर फील्ड। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी सॉइल लगाने से पहले क्रॉप का टाइप डिसाइड कर लेते हैं कि वो कौन सी क्रॉप लगाएंगे, उस हिसाब से वो अपनी सॉइल को तैयार करते हैं। सेकंड नंबर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड रेगुलरली टू द सॉइल इन सफिशियंट क्वांटिटीज। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को भी हमें अपनी क्रॉप में, अपनी सॉइल में ऐड करना चाहिए, लेकिन उसकी भी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सफिशियंट होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। दिस वुड मेक द सॉइल फर्टाइल। ये क्या करती है, ये हमारी सॉइल को उपजाऊ बनाती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन हार्म द सॉइल। अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर मिला होगा तो वो हमारी सॉइल को नुकसान भी पहुँचा देती है। सो दे शुड बी यूज इन द राइट अमाउंट ओनली। इसलिए हमें अपने प्लांट्स में राइट अमाउंट में, मतलब सही मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ एडिक्वेट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड एट द डिफरेंट स्टेजेस फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ। क्रॉप सच एज राइस एंड शुगर केन नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर, वेयर आर व्हीट नीड्स लेस वाटर। एडिक्वेट वाटर मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी हमें डिफरेंट स्टेज में जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो उसे उसमें हमें देना चाहिए। जैसे कि राइस और शुगर केन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जबकि व्हीट में क्या होता है, बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है हमको। द सीड्स शोन शुड बी मैन्योर एंड ऑफ गुड क्वालिटी। सीड्स जो होनी चाहिए, बीज जो होने चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ऑल्सो सीड्स शुड नॉट बी प्लांटेड टू क्लोज टू ईच अदर और टू डीप इन द सॉइल। अधिकतर क्या होता है, सीड्स बहुत दूर दूर नहीं, बहुत पास पास नहीं ग्रो मतलब लगाने चाहिए, या फिर बहुत गहरे मिट्टी की बहुत गहराई में नहीं डालने चाहिए। सीड्स जो हम लोग डालते हैं मिट्टी में वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना चाहिए। क्रॉप शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू कीप देम फ्री फ्रॉम पेस्ट। क्रॉप्स में क्या करते हैं हम लोग, बीच बीच में इंसेक्टिसाइड जो हमारे क्रॉप्स के कीड़ों को मारती है ना, पेस्टिसाइड जो हमारे क्रॉप्स में जो कीड़े हो जाते हैं उनको मारती है, तो उसका भी हमें बीच बीच में स्प्रे करते रहना चाहिए। डिसीज़ एंड हार्मफुल एनिमल्स, ताकि वह कीड़ों से या हार्मफुल एनिमल्स से, इंसेक्ट से, इन सब से उनकी सुरक्षा हो सके। एक्सट्रीम यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स कैन हार्म द पीपल हु कंज्यूम बायो पेस्टिसाइड्स। स्पेशल टाइप ऑफ पेस्टिसाइड विच आर बायोडिग्रेबल इन यूज फॉर बाई फार्मर्स वेयर पॉसिबल। आजकल क्या करते हैं फार्मर्स जो होते हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी के बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप के होते हैं। ओके, जो कि हमारे, अगर मान लीजिए आप कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। उससे कोई पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो जो स्पेशल टाइप का पेस्टिसाइड होता है उससे हमारे इन्वायरमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे कोई नुकसान हमारा नहीं होता है। ओके, सच पेस्टिसाइड्स कैन बी यूज्ड बाय फार्मर्स वेयर एवर पॉसिबल। ऐसे पेस्टिसाइड्स अधिकतर क्या होते हैं, फार्मर्स अपने जितना पॉसिबल हो सकता है उतना यूज़ करते हैं। वीडिंग मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। वीडिंग मीन्स क्या होता है, जो बीच बीच में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, ग्रास निकल आती है, उन्हें हम वीडिंग कहते हैं। शुड बी डन रेगुलरली, इन्हें हमें रोज़ हटा देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे ग्रास को, क्रॉप को,
मतलब हमारी फसल को ख़राब करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें अपनी क्रॉप का प्रोटेक्शन करना चाहिए। योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ वॉच योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर।